एंड यू नो कल ऑब्वियसली फोर थर्टी हो गए थे मैच खत्म होते होते थे की गलती है उनकी वजह से मेरा वीडियो लेट जा रहा है वरना मैं कल की कली ही फिल्म करके रखता नहीं यार बट जूक सुड वेलकम बैक टू द मडर पंडिट्स अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दे एंड इस वीडियो को भी लाइक करें एंड इन तक जरूर देखें आपको मालूम है रिया मरिड के बारे में आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट डे टू डे कंटेंट यहाँ पर ही मिलेगी नो द मैच भाई रिया मरड वर्स एटलाइट को मर एप्स्यूट क्रेजी रेमउट आता फ्लैश बैक्स आए गूसबम्प आ गए जो बोलना है बोल लो फ्लैश बैक्स आ गए ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सीजन के

फोर्टी थ्री टैकल्स की है भाई क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जो मैंने एक बात बोली थी आपको काफी टाइम पहले कि रियामर्ड इज नॉट अ प्रेसिंग टीम ऑल कल के मैच में हमने प्रेस करी है काफी सारे प्रेसेज अटेम्प्ट किए हैं रियामर्ड ने कल लेकिन मड्रिड प्राइमरली इज नॉट अ प्रेसिंग टीम हमारा जो सी होता है हम बेसिकली ये करते हैं हम अपोजिशन को ना हमारे मिडफील्ड थर्ड में प्रेजेंटेट करने दे देता है तो जब वो मिडफील्ड थर्ड में आता है ना तो हमारा जो सीडीएम होता है वो एक बॉल विनर होता है ये रोल कश्मीरों ने भी किया ये रोल चुहा मिनी कर रहे हैं और अभी तो फिलहाल इंजर्ड है और अभी कामा करके दिखा रहे हैं तो फोर्टी थ्री टैकल्स इन थ्री मैचेस द सी डी एम इट गोज ऑन टू शो कि मड्रिड उस हिसाब से ही बॉल रिगिंग करती है जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था बट एनी anyways... फर्स्ट हाफ की बात करते हैं मडर बिल्कुल भी बॉल होल्ड नहीं कर पा रही थी दे हैड विद रिटेनिंग द बॉल आई डोंट नो हैपेंड ऑर्गेनाइजेशन लैक कर रही थी सिंस द द वेरी फर्स्ट मिनट को बहुत तकलीफ आ रही थी विद रिटेनिंग बॉल एंड क्लियरली गोज ऑन टू शो भाई कि आप ना इस वे में नहीं कह सकते मडिड दे होल्ड द बॉल एंड मडरिड कल बॉल बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रही थी इन द फर्स्ट हाफ साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यार रूडिगर वॉज लुकिंग स्लाइटली ऑफ एंड जो फर्स्ट गोल हमने कहा है ना मोरना ने पूरी सेंट्रल रन मारी है एंड फोल को चकमा दे अंदर गया है वो एंड फोल मैंडी बहुत कंफ्यूज हुआ भाई फॉर मेंडी बहुत एरर प्रोन है ठीक है एंड मैं यहां पर उसी को ब्लेम कर सकता हूं बट you know, like, कल तो दिख गया भाई, एक हो, तो आपके नो you know, टीम में पूरी यू नो एकदम अच्छी सी वाइब आ जाती है लाइक आप बहुत अच्छा खेलना शुरू कर देते हो तो मैं वही कहना चाह रहा था कि आपको नो एन मंडी बहुत ही नो प्रेडिक्टेबल है एज अ प्लेयर लाइक like, मुझे मालूम मालना में मेंडी क्या करेगा वो क्रॉस नहीं डालेगा वो क्रूज को बैक पास कर देगा एंड फिर क्रूज को चीजें करनी पड़ेगी या वो विनीश जूनियर को साइड पास कर देगा और फिर विनीश जूनियर को वो चीजें करनी पड़ेगी तो जो भी उसके साथ खेल रहा है प्रैक्टिकली इट इज नॉट अ थ्री

कवर नहीं कर पा रही थी ये लोग फाइनल थर्ड में भी पेनेट्रेटिव पासेस प्ले कर रहे थे एक दूसरे को तो इट वाज एन एब्सुलट एब्सुलट जॉय थिंग टू सी भाई स्पेशली आफ्टर द सिक्सटी मिनट एंड बिल्कुल भाई मेरी रात तो पूरी वर्थ इट रही है यू नो जो कम देखने को मिला है एंड देखो मतलब जब जैसे आपने रोद्रिको का गोल देखा ना आप समझिए कि मड्रिड का यहाँ पर कम है लेकिन यू नो मतलब गेम थोड़ा जल्दी सील ऑफ कर दिया जा सकता था आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर बिकॉज यू नो काफ़ी सारे चांसेस मिले काफ़ी सारे टैपिनस मिले जहां पर विनिस और बेजमा ने मिस कर दिया वहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अगर चैंपियंस लीग में भी हम ये सब करते हैं ना तो इट कैन कॉचेस नॉट अगेंस्ट लेबरपूल बट मे बी अगर यू नो हम लोग क्वार्टर्स में जाते हैं या में जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें ना कॉस्ट कर सकती हैं ठीक है तो मैन सिटी को भी यही हुआ था हमारे अगेंस्ट कि वो लोग बेसिक चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहे थे और यही हमारे एथलेटिकोम में हो गया वो तो लकीली रॉड्रिगो को सब ऑन कर लिया टाइमली और रॉड्रिगो ने एक वंडरफुल गाला वंडरफुल गोल मारा भाई भाई एंड मक्खन जैसा प्यारा गोल था भाई, वो रोड्रिगो तो रोड्रिको के परस मतलब, भी अच्छे नहीं जा रहे थे जब भी उसको राइट विंग भी खिलाया जा रहा था या सेंट्रली भी खिलाया जा रहा था वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था विनिय जूनियर और करीम के साथ एक और चीज तो यहां पर मुझे ये क्लियर हो गई कि फेड्रिको वालवर्डेडे के मेंटली कुछ प्रॉब्लम चल रही है भाई उसके क्लियरली यू नो बहुत हाफ हार्टेडली खेल रहा है वो यू नो ही इज नॉट ट्राइंग फॉर द प्रेसेज ही इज नॉट ट्राइंग टू बिन द बॉल बैक कि वो बॉल रिकवरी उसकी थोड़ी सी पुअर चल रही है इट क्लियरली गोज ऑन टू यू कि कुछ मेंटल इफेक्ट उसमें आया है एंड रिया मरड ने फेड्रिको वालेवर्डे को बहुत क्लियरली बोला दैट वी वॉन्ट यू एट योर वेरी बेस्ट आपको चाहिए तो आप एक हफ्ते का ब्रेक ले लो एंड उसके बाद आप आ सकते हो हमारे पास वापस तो रिया मरड ने ये फेड्रिको बालवर्डेडे को ऑफर किया है आई थिंक बहुत करेक्ट ऑफर है भाई बिल्कुल करेक्ट ऑफर है आपको ऐसा ही करना चाहिए अपने प्लेयर्स के साथ गोइंग समथिंग के फैमिली में कुछ ना कुछ चल रहा है अब मैं बात करता हूं विनीसर जूनियर की हु वॉज एब्सल्यूटली जॉयज टू वॉच विनीस जूनियर ने पांच ड्रिबल्स कंप्लीट करे भाई पांच ड्रिबल्स कंप्लीट करे पांच क्रिएटिव एक्शन करें एज इनकी चांसेस क्रिएट करें हैं कंप्लीट करें हैं एंड साथ ही साथ एक गोल भी मारा है तो विनीश्वर जूनियर की एक बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी की पासिस तो विश्व जूनियर एक्सपर्ट है काफी सारे की भी प्रोवाइड करते हैं वो वो भी उन्होंने किया था बट उसकी मेरे उसके समय याद नहीं है लेकिन विनिश्चर जूनियर ने इतना प्यारा गोल मारा लाइक लिटरली पूरी करते गया करते गया करते गया करते एंड देन एथलेटिको लॉस्ट इट देखो एक चीज तो हमें और क्लियर हो गई एथलेटिको मेटेट की परफॉर्मेंस है कि अगर एक वन ट्वेंटी का मैच होगा ना उनका कोई ना कोई सेंटर बैक रेड कार्ड ले लेगा बिकॉज ये मैन सिटी के सामने भी हुआ था मतलब वो वन ट्वेंटी मैच नहीं था लेकिन वहां पर भी हुआ था तो

प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हो बेस्ड ऑन बट उनके ओरिजिन उनके रेस उनके कलर उनके कास्ट के बेसिस पर कभी भी क्रिटिसाइज मत करना भाई बिकॉज ये सारी चीजें ना दिल चुभती हैं यार लाइक यू नो मतलब मैं अपना कुछ इंसिडेंट्स तो बताऊंगा नहीं बिकॉज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कभी है नहीं लेकिन अगर कोई मेरे स्किन कलर के बेसिस पर टीज करेगा ना मुझे बहुत टच होगा यार तो यही विनेश्री जी ने तो भाई बाईस साल का यार तेईस साल का लड़का है वो भी ही इज ऑल्सो वेरी यंग वो बहुत उतना मेच्योर नहीं हुआ है एज अ मैन तो उसको भी ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर सकती हैं एंड उसके परफॉर्मेंस

तो आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको दिखाना पड़ेगा दट यूर अगेंस्ट दैट यू नो यर अगेंस्ट टेसिज्म एंड यू आर कम्प्लीटली सपोर्टिंग एवरी ह्यूमन बींग एवरी फुटबॉलर हु इज प्लेइंग आउट देर तो विनीश जूनो के अगेंस्ट तो काफी कुछ चल रहा है एटलेटिको मैड्रिड फैंस को आई जस्ट डोट अंडरस्टैंड भाई वो पुतला वाला बात तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता उनको बट जो भी है भाई दे है कमिंग भाई दे डिजर्व दे डिजर्व टू लूज भाई एंड एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट तो मैंने यार अपनी पूरी हेड दिखा दी थी कल स्ट्रीम पर तो मैं ज्यादातर उस पर टचअ अपनी नहीं करना चाहूंगा लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी यू नो ट्रांसफर न्यूज के बारे में बात करते हैं तो यार एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है रिया मैड्रिड के कैंप से

एन मंडी का इतना ना लेंदी अब रहा नहीं है एक साल ही रहेगा तो इट विल बेटर अगर आप तो या तो उसको दो तीन साल का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दो जो कि आई डोंट थिंक होगा बिकॉज मंडी के परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे नहीं रहे आई डोंट थिंक आई कैन यू नो इवन रिमेंबर और टू गुड गेम्स ऑफ फोल एंड मंडी द सीजन आई थिंक दिस इज अ अरे कॉन्ट्रवर्शियल टेक बट आई स्टैंड विद इट मुझे नहीं लगता कि मैंने फोन एंड मंडी के इतने कुछ ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस देखे हैं ये सीजन तो आई डोंट थिंक उसको एक एक्सटेंशन का वो हकदार है एक साल रह गया उसके कॉन्ट्रैक्ट में आप उसको समर मार्केट में बेच दो आप फ्रांस को लेकर आ जाओ बिकॉज गार्सिया इज अ वेरी गुड प्लेयर ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुल बैस इन लाली का तो गार्सिया की डील एक तरीके से ही हो गई है दोस्तों गार्सिया विल बी कमिंग बैक टू रिया मड्रिड एंड थोड़ी सी इंजरी अपडेट देता हूँ मड्रिड के थोड़ी सी इंजरीज हो गए हैं रोद्रो का है ही कैन अवेलेबल फॉर देता है उसको अकाली स्टैंड

लास्ट you में know, मैं बस एक प्लेयर को क्रेडिट देना चाहूंगा विच इज वेरी मच ड्यू दट इज एडर मिलेटाई थिंक एडम मिलेटा स्पेषलीफ्टर वर्ल्ड कप हैज बिन आर बेस्ट प्लेयर एडमेटा डैनी सबायस ने स्टेप अप किया है एंड बहुत ही ज्यादा मेंटेटी दिखाई है एडमेटा ने वो जील दिखाई ऑफ विनिंग भाई उसने दिखाया कि कम ऑन वाइज मतलब उसमें वो धीरे धीरे वो लीडर मेंटेलिटी इंसिडेंट हो रही है भाई मतलब दिख रहा है भाई वो कैसे यू you नो know, बिना डरे बॉल को कैरी करके पूरा हाफ वे लाइन तक लगे जाता है दैट्स एब्सिल्यूटली अमेजिंग सो एडमेटा को क्रेडिट मिलना चाहिए बट एनी सर विद